हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम गोइंग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग, जो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनकी रिएक्शंस, वो अपने आप को कैसे रिड्यूस करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शंस एंड सम एरोमेटिक टाइट्रेशंस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ टाइट्रेशंस, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम। सो लेट अस सी। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं KNNO4। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। देखो, इस पोटेशियम परमैंगनेट में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Mn के आउटर मोस्ट सेल में, Mn का एटॉमिक नंबर 25, आउटर मोस्ट सेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो Mn का ऑक्सीडाइजिंग स्टेट यहां पे +7 है। तो ये अलग-अलग मीडियम में डिफरेंट वे से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करता है अपने आप को। तो अलग-अलग मीडियम में कैसे करेगा ये, जैसे अपन फर्स्ट कंसीडर करते हैं न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में जैसे हमने ले लिया यहां पे KNNO4 प्लस H2O, तो ये न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है इनटू KOH प्लस MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। यहां पे 2KNNO4 करते हैं इसको, तो 2KOH, Mn2 है 2 और तो जाए 8 प्लस 1 5 8 9 कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज है इसमें, थ्री इलेक्ट्रॉन्स की चेंज है। तो क्या करेंगे हम इसमें, जो इक्विवेलेंट वेट होगा, equivalent weight of KNNO4 here will be molecular weight divided by 3। अब देखो, जैसे इसमें क्या होगा कि it oxidizes S2O3 2 minus 2SO4 2 minus, फिर इसको हम balance करके देखेंगे, इसको apply करेंगे इसको। next देखते हैं second alkaline medium। देखो, इसमें टू केसेस हैं। फर्स्ट केस है अपने पास केस ए, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम मींस कंसंट्रेटेड बेस इज यूज्ड। सो यहां पे ये अपने पास है KNNO4 प्लस KOH एक्वस, तो KNNO4 का वही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। तो ये अपने आप को कन्वर्ट करा लेता है इनटू K2MnO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देखो, इसको बैलेंस बाद में करेंगे, अपन देखते हैं MnO4 प्लस 7, तो प्लस 7 से K2MnO4 4 टू जो 8 8 माइनस 2 प्लस 6, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आ रही है, इस जब प्लस 7 से प्लस 6 में गया तो एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया अपना, equivalent weight of KMnO4 आ गया molecular weight divided by 1, क्योंकि valency factor इस केस में क्या हुआ 1। अब मान लो कि second case लेते हैं अपन, case B, weakly alkaline medium, weakly alkaline medium में क्या होगा बेटा, जैसे ये KMnO4 है, ये KOH जो है ये अपने पास एक्वस, ये बहुत ज्यादा एक्वस है, मतलब KOH कम है और पानी ज्यादा है इसमें, तो उस केस में ये कन्वर्ट होगा पहले तो K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो ऑलरेडी वाटर ज्यादा था, डाइल्यूट था, अब ये वाटर उसको न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करा देगा इसको, और ये फर्दर दोनों रिएक्ट करके और ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू KOH प्लस MnO2। तो अपन इसमें फाइनल कंसीडर करेंगे कि फाइनली कौन किस में चेंज हो रहा है, तो वही MnO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया यहां 7, और यहां पे किस में जा रहा है ये +4 में, तो ओवरऑल +7 से +4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज हुई 3 की, तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया इसका बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। सो ये है अपनी अल्कलाइन मीडियम में। अब ये जैसे अल्कलाइन मीडियम में इट ऑक्सीडाइजेस
आई माइनस टू आई ओ थ्री माइनस, देखो आई माइनस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन एंड आई ओ थ्री माइनस में प्लस फाइव. नाउ थर्ड एसिडिक मीडियम, देखो एसिडिक मीडियम में KMnO4 में लेके हम डाइल्यूट H2SO4 विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम. डाइल्यूट H2SO4 तो ये इसको चेंज करा देगा इनटू K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. ये नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन में काम आएगा. तो यहां से देखो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7, MnSO4 में क्या हो गया प्लस 2. तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज इसमें, प्लस 7 से जब प्लस 2 में गया तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया इसमें, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर हो गया इसमें 5. अब देखो हम इसको टाइट्रेशन में कैसे अप्लाई करेंगे अलग अलग में. पहले कंसिडर करते हैं एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में बहुत सारे रिएक्शन एग्जाम्पल है, बस बेसिक मीडियम के अंदर क्या करना है आपको, रिएक्शन को बैलेंस करनी है इन द बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में अकॉर्डिंग टू द एसिडिक मीडियम. तो जैसे हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं कि इट ऑक्सीडाइजेस फेरस, फेरस का मतलब आयरन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक Fe+3. अब देखो इसी रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में फॉर्मुलेट कर रहे हैं हम, तो KMnO4 में K का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी प्लस वन है, यहां भी प्लस वन है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं वहां से. तो ये रिएक्शन बन गई अपने पास MnO4 माइनस K+ प्लस MnO4 माइनस. अब डाइल्यूट H2SO4 से एसिड का हम H+ कंसीडर करेंगे. उसके बाद K2SO4 में K का प्लस वन है और S का प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां भी S का प्लस सिक्स है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम हटा सकते हैं. तो ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnSO4, तो Mn2+ प्लस H2O. इससे अपन फॉर्मुलेट करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन. तो इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक सॉल्ट्स. अब देखो कैसे कंसीडर करेंगे अपन, वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और यहां पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन अपने पास क्या होगी, MnO4 माइनस प्लस H+ इट चेंजेस इनटू Mn2+ प्लस H2O. तो ये इसमें जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हमने इसमें. अब देखो इलेक्ट्रॉन्स लिखने के बाद बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, Mn1 है बैलेंस है. अब रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में, तो बैलेंस हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन द रेफ्रिजरेंट साइड. तो यहां पे 4 ऑक्सीजन है, यहां पे 1 है, तो प्लस क्या कर दो 4H2O और H+ आयंस ऑन द अपोजिट साइड, तो 4 2 जा 8, तो 8H+. देखो बैलेंस हो गई है, 8H+ 4 2 जा 8, 8 4 ऑक्सीजन Mn1 4 ऑक्सीजन. अब देखो फेरस सॉल्ट्स को फेरिक में कन्वर्ट करा रहे हैं, मतलब Fe2+ Fe3+ में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ये, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. अब देखो इक्विवेलेंट कांसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स 5 है, वहां पे 1 है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 5 देने वाला भी होना चाहिए, तो एक आयरन तो 1 लूज कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 Fe 5 इलेक्ट्रॉन. अब देखो इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड से बराबर हो गए, तो इनको ऐड कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास रिएक्शन बन गई है MnO4 माइनस प्लस 8H+ प्लस 5 Fe2+ इट चेंजेस इनटू Mn2+ प्लस 5 Fe3+ प्लस 4H2O. अब देखो इक्विवेलेंट वेट तो हमने निकाला था एसिडिक मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5 वैलेंसी फैक्टर. अब यहां से क्या कह सकते हैं हम कि कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस 1 mole MnO4 माइनस का किसके बराबर होगा, 5 moles ऑफ Fe2+. जब 1 mole MnO4 को 5 mole Fe2+ के चाहिए, ये इसके अंदर
रिलेशन होगी किसमें, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को 5 मोल रिड्यूसिंग एजेंट के चाहिए, तब उनका बराबर बराबर कंसेप्ट लगेगा। उसके भी आप पे फिर हम मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के अंदर इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। जैसे लेट अस सी वन ऑफ टू एग्जांपल्स मोर, देखो अपने पास HX है, कोई भी HX के अंदर X क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये KMnO4 इनको किसमें ऑक्सीडाइज करवा देगा, इनटू X2, X2 में चेंज करवाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो पेरेंट रिएक्शन यही होगी अपने पास, पेरेंट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ये सेम रहेगी, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होगी अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H+ रिड्यूस Mn2 प्लस प्लस 4H2। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में हमने क्या लिया है HX, तो H को रिमूव कर दो, यहाँ पे आप H को रिमूव कर दोगे तो क्या बच गया अपने पास X माइनस हो सकता है Cl- Br- और I-, तो उनको किस में ऑक्सीडाइज करा रहे हैं X2 में, तो X- की जगह पे हम एक ले लेते हैं यहाँ पे Cl-, तो Cl- को चेंज करा दिया इसने Cl2 में, तो Cl जब -1 से 0 में आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा 1, तो यहाँ पे 2 Cl2 में पर एटम चेंज कितने की होगी 2, तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। अब देखो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस होगी, लेकिन यहाँ पे ये 5 है और वो कितना है 2 है, तो इसको पूरी को क्या कर दो मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसको मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये क्या हो गया अपने पास जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 16H+, इट गिव्स 2 Mn2 प्लस प्लस 8H2। इसको 5 से करते हैं तो 5 to 10 Cl माइनस 5 Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, लेकिन इसको तो चाहिए थे कितने 5, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, चेंज को बराबर करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन कराएगा और रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल। अब इसमें अपन क्या करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 Cl- है, तो 10 Cl- 10 से देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इसको भी कितने चाहिए थे 10, तो दोनों बराबर हो गया, तो दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए, अब देखो अपने पास क्या रिएक्शन बन जाएगी नेट 2 MnO4 माइनस प्लस 16H+, अब Cl माइनस कितने हो गए प्लस 10 Cl माइनस, इट चेंजेस इनटू 2 Mn2 प्लस प्लस 8H2 प्लस 5 मोल्स ऑफ Cl2 क्लोरीन गैस। अब देखो इसमें पूरी रिएक्शन ये बैलेंस होगी, अब इसमें रिलेशन क्या होगी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में, 2 मोल्स MnO4 माइनस इज इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ Cl माइनस, इसके 2 मोल और इसके 10 मोल्स आएंगे, इक्विवेलेंट वेट वही आएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय सॉरी 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रही है उसमें नेट। सो इसी तरीके से हम Br- को भी ले सकते हैं, I- को भी ले सकते हैं, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इन व्हिच MnO4- एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो लेट अस सी सम अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पेरेंट रिएक्शंस आपको सारी याद रखनी है, एक एक पेरेंट रिएक्शन याद रखेंगे क्योंकि कौन से मीडियम में ये रिएजेंट किस में चेंज होने वाला है। अब देखो फर्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपन K2Cr2O7, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट,
पोटेशियम डाइक्रोमेट में यहाँ पे K का प्लस वन तो दो का प्लस टू हो गया, तो क्रोमियम का इसका प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस सेवन टू जब 14, तो x कम्स टू बी इक्वल्स टू जीरो, तो x बराबर आ गया अपने पास प्लस सिक्स। अब देखो ये क्या होता है, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, इनटू K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो मतलब इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये यहां पे देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 था और यहां पे कितना आ रहा है प्लस 3, तो देखो एक क्रोमियम के एटम में चेंज आ रहा है, क्रोमियम सल्फेट है तो सल्फेट पे SO4 2 नेगेटिव तो 3 आएगा, तो एक क्रोमियम में चेंज कितने की आई 3, तो पर एटम कैलकुलेट करेंगे तो पर एटम कितने की चेंज आ गई यहां पे 6 की, प्लस 6 से जब ये प्लस 3 में आया तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आएगी। देखो प्लस 6 से प्लस 3 में एक एटम में 3 की आ रही है, यहां पे क्रोमियम के कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में 2, तो 2 में कितने की चेंज आएगी 6 की, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया यहां पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया इसका यहां पे 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं हम, वही जैसे ये फेरस सॉल्ट्स को Fe2+ को किसमें ऑक्सीडाइज करवा देंगे इनटू Fe3+। अब इसकी आयनिक इक्वेशन लिखें तो आयनिक इक्वेशन होगी Cr2O7-, क्योंकि K का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, एसिड का खाली क्या लिखेंगे H+, तो ये किसमें बदल रहा है इनटू Cr+3+H2O। H2O भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, तो Fe2+ Fe3+ में जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये कौन सी होगी अपने पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या आ गई, Cr2O7-, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा Cr+3+H2O। अब बैलेंस ऑक्सीजन 7, तो यहाँ पे भी कितने कर दो 7, तो H+ कितने हो गए 14, H+ ऑन द अपोजिट साइड, ये होगी अपने पास रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। अब इसको ऐड करेंगे हम, तो ऐड करेंगे देखो इसको ऐड करने से पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 और यहाँ पे कितने हैं 1, तो इसको ऊपर वाली को मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 कैंसिल हो जाएगा, 14H+ प्लस Cr2O7-, प्लस 6Fe2+, इट चेंजेस इनटू 6Fe3+, प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O, ये होगी अपनी नेट रिएक्शन। अब देखो इसमें इक्विवेलेंट वेट तो निकाला था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, अब देखो रिलेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हुई, यहां पे ये कह सकते हैं Cr2O7-, का 1 मोर इज इक्वल टू 6Fe2+, ये आ गई रिलेशन बिटवीन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसके भी आप पे हम इसको अप्लाई करेंगे फिर मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट अब देखो इसको चेक करते हैं, लेट अस सी H2O2। देखो बेटा H2O2 में ऑक्सीजन का परऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है H2O2 में -1, तो -1 है तो ये -1 से -2 में भी जा सकता है और 0 में भी जा सकता है, तो -2 में जाएगा तो खुद के रिडक्शन करा रहा है, मींस एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब -1 से 0 में आ रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, इट मींस इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके अंदर वी कैन से दैट H2O2 कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, हेंस वी कैन से दैट H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज
well as reducing agent. Depending on the type of reaction. अब देखो अपने पास अलग अलग डिफरेंट है, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में अलग अलग मीडियम में डिफरेंट रिएक्शंस होगी H2O2। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। अब एक अपने पास एसिडिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। देखो एसिडिक मीडियम है तो H2O2 चेंज हो जाएगा इनटू H+ + O2+ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे 2H+ + O2+ इलेक्ट्रॉन्स। देखो H2O2 -1 से 0 में गया, एक ऑक्सीजन -1 से 0 में गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो दो ऑक्सीजन कितने लूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेसिक मीडियम में जैसे H2O2 है प्लस OH-, इट चेंजेस इनटू H2O। देखो यहाँ पे -1 से किस में जा रहा था, ये 0 में, तो -1 से 0 में गया तो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कराया। अब यहाँ पे -1 है तो -1 से -2 में जा रहा है तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, खुद का रिडक्शन करा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का, यहाँ पे इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कराना चाहिए। तो प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, O2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया इसका, 0। अब देखो बैलेंस करेंगे इसमें तो H2O2 यहाँ पे 2OH-, तो 2H2O प्लस O2। अब देखो कि ऑक्सीजन यहाँ पे -2 था, यहाँ भी -2 है, तो एक ऑक्सीजन का -1, यहाँ पे दो ऑक्सीजन का -2 था, दो का -2 है, ये ऑक्सीजन -1 से किसमें गया, 0 में, तो क्या हुआ इसका, -1 से 0 में गया तो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया मतलब खुद का क्या कराया, ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन कराया, मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वी विल राइट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा H2O2 इन डिफरेंट मीडियम्स। अब वो सेम इसमें एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन कराएगा, तो खुद का रिडक्शन कैसे कराएगा, H2O2 प्लस H+ + इलेक्ट्रॉन्स, तो ये चेंज हो जाएगा इनटू H2O। तो -1 से किसमें चला गया, -2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ऐसे दो ऑक्सीजन कितने लेंगे, दो। अब H कितने हैं यहाँ पे, 2, और यहाँ पे 2H+ 2 + 4 4H+ ऑक्सीजन 2। अब एल्कलाइन मीडियम में देखो H2O2 चेंजेस इनटू H2O+ OH-, ये एल्कलाइन मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -1 से किस में चला गया, -2 में, तो H2O2 2H2O 2OH-, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2H2O2, तो ये 2 कर देंगे, 2 × 4 2 × 4 OH नेगेटिव, तो यहाँ पे -1 से -2 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे H2O2 2OH-, तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, तो 2 ऑक्सीजन कितने ले लिए इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का क्या करा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन करा रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट मीडियम में H2O2 विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की चेंज कितनी, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें H2O2 का क्या कर सकते हैं, उसका मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी फैक्टर, तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा।
ये थी इसके अंदर डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, डिफरेंट रिडॉक्स टाइट्रेशंस। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कंसेप्ट ऑफ आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। एज द नेम इंडिकेट्स आइडोमेट्रिक, एज द नाम से पता चल रहा है कि टाइट्रेशंस व्हिच इन्वॉल्व्स आयोडीन। देखो अब अपने पास जैसे I माइनस है आयोडीन के कंपाउंड में किसी में भी, तो I माइनस को 2I माइनस चेंजेस इनटू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो खुद I माइनस इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, मींस इट इज एक्टिंग हियर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब अपन I माइनस की जैसे रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे Na2S2O3 ले लिया, तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, थायोसल्फेट प्लस आयोडीन इट चेंजेस इनटू S4O6 2 माइनस प्लस 2I माइनस। अब देखो S4O6 का इक्विवेलेंट